और अब आज की बड़ी खबर, नेपाल में कुदरत का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से 200 लोगों की मौत, जीवित बचे लोगों तक पहुंचने के लिए जिपलाइन और नावों का इस्तेमाल कर रही हैं बचाव दल की टीमें। नेपाल में कई दिनों से हो रही भारी मानसूनी बारिश के चलते इस पूरे हिमालयी देश में बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 30 लोग लापता हैं और कई इलाकों में बड़ा विनाश हुआ है। नेपाल की राजधानी से आई तस्वीरों में दक्षिणी काठमांडू और आसपास के शहरों के ज़्यादातर हिस्से पानी में डूबे हुए या मोटी मिट्टी में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से देश की प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं, राजमार्ग कट गए हैं और बिजली की लाइनें गिर गई हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु संकट की वजह से मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का नतीजा है। नेपाल में पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आई और जगह जगह भूस्खलन हुआ। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और पानी भर जाने की वजह से कम 192 लोग मारे गए हैं और इस आपदा में देश भर से लगभग 194 लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भारी बारिश की वजह से आई आपदा के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों को तेज करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत के कामों के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने अब तक तकरीबन 4,500 आपदा प्रभावित लोगों को बचाने का काम किया है। घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित बाकी लोगों को खाने और दूसरी इमरजेंसी राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के बाद काठमांडू में सैकड़ों लोग खाने की चीज़ों की कमी, साफ पानी की कमी और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भूस्खलन के चलते प्रमुख सड़कों के टूटने की वजह से देश के दूसरे ज़िलों और भारत से सब्जियों की सप्लाई में भी रुकावट आई है, जिससे बाजार में कीमतें भी बढ़ गई हैं। नेपाल के काठमांडू पोस्ट अखबार की एक खबर के मुताबिक पूरे देश में कई सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं और राजधानी काठमांडू की तरफ जाने वाली सभी सड़कें खराब हो गई हैं, जिससे हजारों लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। नेपाली गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषि राम तिवारी ने कहा कि यातायात बहाल करने के लिए बाधित राजमार्गों को साफ करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट की एक खबर में कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। शनिवार को खबर में कहा गया कि असाधारण रूप से तीव्र बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ कम दबाव वाला इलाका है। इस वजह से हिमालय पर्वतमाला के पूर्व पश्चिमी भाग और खासी जयंतिया पहाड़ियों के उत्तर दक्षिण भाग में असामान्य बारिश होने का अंदेशा है। अब आपको नेपाल में बाढ़ की वजह भी बता देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से एशिया भर में बारिश की मात्रा और समय में बदलाव हो रहा है और साथ ही बाढ़ के असर में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह पर्यावरण में बदलाव है, जिसमें खास तौर से बाढ़ के मैदानों में गैर नियोजित निर्माण भी बड़ी वजह है। इसके चलते पानी के ठहराव और निकासी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं, सैकड़ों मकान और पुल टूट गए हैं या बह गए हैं और सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है।